जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार्ट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे आयरलैंड वर्सेस नेदरलैंड्स T20 मैच रिव्यू के बारे में। तो बिना देरी के आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, यह मैच टेक जायद स्टेडियम अबू धाबी के ऊपर खेला जाएगा और यह मैच करीबन दोपहर के 3:30 बजे स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो, मैं क्या करूँगा आपको बताए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1,00,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़ सकते हो, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 8 अक्टूबर को सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के कुछ फोटोज हैं, तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फोटोज के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पिच रहेगी दोस्तों यहाँ पे शेख जायद स्टेडियम की, आपको यहाँ पे इस तरह से दिखने वाली है। आपको दोस्तों पता रहेगा जब यहाँ पे लास्ट टाइम पे मैच हुआ था ना, किसका, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस का। तो दोस्तों यहाँ पे 200 के ऊपर रन्स बने थे और दोस्तों हैदराबाद ने भी लगभग 200 रन्स बना दिए थे। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों जो पिच रहेगी ना ये सबसे फ्लैट पिच मानी जाती है स्पेशली यूएई के अंदर। तो आप दोस्तों यहाँ पे पिच को देख सकते हो, एकदम दोस्तों रन फीस्ट रहेगा, यहाँ पे रन बनेंगे दोस्तों, एकदम फ्लैट विकेट है। बॉलर्स के लिए ज़्यादा कुछ यहाँ पे होता नहीं है, ज़्यादातर यहाँ पे बैट्समैन को ही मदद मिलती है, बैटर्स को ही मदद मिलती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और थोड़ा बहुत दोस्तों यहाँ पे मदद मिलता है किसको, स्पिनर्स को मिडल ऑर्डर वाले फेस के अंदर। तो आप दोस्तों यहाँ पे पिच को देख सकते हो। ये दोस्तों प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मैंने शेख जायद स्टेडियम की पिच की फोटो दिखा दी है। यहाँ पे ग्राउंड डायमेंशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैदान कैसा दिखेगा। तो आपको यहाँ पे ना सामने की बाउंड्री, सीधी बाउंड्री 81 मीटर की दिखेंगी, वहीं जो स्क्वायर बाउंड्रीज होती है ना लेग साइड की और ऑफ साइड की, थोड़ी छोटी और बड़ी होती है। कैसे बोल रहा हूँ आपको बताया, एक साइड ना 67 मीटर रहेंगी, 66 मीटर, एक साइड दोस्तों 72 मीटर रहेंगी। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों एक साइड थोड़ा सा छोटा मैदान रहेगा, एक साइड दोस्तों बड़ा मैदान रहेगा। तो जो बॉलर्स रहेंगे ना कोशिश करेंगे दोस्तों जहाँ पे बड़ा मैदान रहेगा ना वहाँ पे प्लेयर को शॉट्स खिलाने की, ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्राउंड डायमेंशन देख सकते हो, स्पिनर भी दोस्तों अच्छी बॉलिंग करा सकते हैं, बड़ा दोस्तों मैदान है। ये दोस्तों आप देख सकते हो कितना खूबसूरत दोस्तों व्यू आ रहा है किसका, अबू धाबी स्टेडियम, जिसको अपन जानते हैं शेख जायद स्टेडियम के रूप से या नाम से। तो आप देख सकते हो दोस्तों स्टेडियम को, ये प्रैक्टिकल नॉलेज का फोटो से मैंने दिखा दी। अब यहाँ पे स्टैट्स की बात कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जो बॉलर्स ना गुड लेंथ पे बॉलिंग कराते हैं, ठीक है, गुड लेंथ पता रहेगा ना दोस्तों आपको, वहाँ पे जो बॉलर्स बॉलिंग कराते हैं ना उनको यहाँ पे ना कभी कभी एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिलता है और कई बार दोस्तों बॉल नीचे रह जाती है गुड लेंथ वाले एरिया के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों गुड लेंथ पे बॉलिंग कराना विल बी द की, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर ना आयरलैंड ने आज तक 18 T20 मैच खेले हैं और दोस्तों 14 मैच जीते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे रेशियो है जीतने का। वहीं नेदरलैंड की बात करते हैं, इनमें भी दोस्तों बढ़िया काम करा है, देख लो आप लास्ट 7 में से यहाँ पे 5 मैच जीते हैं, ठीक है, चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब देखो जो टीम यहाँ पे बैट फर्स्ट करी है ना 15 बार जीती है, जो टीम दोस्तों पे चेस करती है 13 बार जीती है आउट ऑफ लास्ट 28 गेम्स। तो दोस्तों बैट फर्स्ट बैट करने इतना माने नहीं रखेगा यहाँ पे, एवरेज स्कोर 150-180 दोस्तों से ज़्यादा भी बन सकता है, हाई स्कोरिंग वेन्यू माना जाता है। IPL के अंदर दोस्तों अपने वही दिखा था, अब दोस्तों ICC किस तरह से पिच को बनाती है देखने लायक रहेगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट 28 मैचेस के अंदर इस वेन्यू के ऊपर क्या हुआ है, पेसर्स मतलब तेज गेंदबाजों ने 231 विकेट्स निकाले हैं, पहली पारी के अंदर 123 विकेट्स हैं, दूसरी पारी के अंदर 108 विकेट्स हैं। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों पहली पारी के अंदर ज़्यादा विकेट गिरते हैं एज कम्पेयर टू सेकंड इनिंग्स। राइट आर्म पेसर्स के 165 विकेट्स हैं, लेफ्ट आर्म पेसर्स के 67 विकेट्स हैं। स्पिनर्स की बात करते हैं तो स्पिनर्स ने लास्ट 28 मैचेस के अंदर 92 विकेट्स निकाले हैं, पहली पारी के अंदर 48 विकेट्स हैं, दूसरी पारी के अंदर 43 विकेट्स हैं स्पिनर्स के। तो स्पिनर्स से दोस्तों पे ठीक ठाक काम करा है, जब ये लोग अच्छे टप्पे पे बॉलिंग कराते हैं तब। अब देखो सबसे ज़्यादा स्पिनर्स इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, लेग स्पिनर्स 51 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 22 विकेट है, लेफ्ट आर्म चेयरमैन के 5 विकेट हैं और ऑफ स्पिनर्स के यहाँ पे 14 विकेट। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों मोटा मोटा लेग स्पिनर्स सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे, फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स रहने वाले हैं। जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था, जो दोस्तों रन फीस था पूरा MI दोस्तों वहाँ पे अलग ही मूड के अंदर आई थी, ईशान किशन वगैरह, तो उस मैच के अंदर ना क्या हुआ था कि 12 विकेट पेसर्स ने निकाला था और दोस्तों 5 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स ने निकाला था, ठीक है, ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी थी। नाम बता दो स्पिनर्स का, तो 2 विकेट अभिषेक शर्मा के थे, 2 विकेट दोस्तों यहाँ पे थे अपने राशिद खान के, 1 विकेट यहाँ पे पीयूष चावला का,
ठीक है, आपके नॉलेज की दोस्तों बता दिया मैंने। सनी वेदर यहाँ पर रहने वाला है, वीडियो को दोस्तों आप लाइक करके स्टार्ट कर सकते हो। ये दोस्तों आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप का अपन आगाज कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है दोस्तों लाइक करके स्टार्ट करेंगे, 2K लाइक दोस्तों यहाँ पे टारगेट है। अब देखो आयरलैंड की बात करते हैं, यहाँ पे कर्टिस कैंप पर दोस्तों टीम के अंदर आ चुके हैं, फिट है, रेडी हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर है। बैरी मैकार्थी दोस्तों स्टैंड बाई के अंदर जा चुके हैं, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ आयरलैंड दोस्तों इनको मैं मानता था। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। नेदरलैंड्स की बात करते हैं, यहाँ पे तो इस टीम में दोस्तों 4 या 5 बहुत बड़े नाम है। कॉलिन अकमन, लीचेस्टरशायर जो टीम है ना दोस्तों इंग्लैंड के अंदर, काउंटी टीम है, जैसे कि लंकशायर होती है, यॉर्कशायर होती है, नॉटिंगम होती है, ऐसी टीम्स होती है। तो उसके लीचेस्टरशायर की एक टीम है, उसकी कैप्टनसी करते हैं कॉलिन अकमन, बहुत बड़े प्लेयर है। फ्रेड क्लासेन दोस्तों काउंटी प्लेयर है, रॉफन डम भी दोस्तों काउंटी प्लेयर है सोमरसेट के, पॉलवन मैकरिन दोस्तों अभी हाल ही में CPL खेल के आ रहा है। तो 4 दोस्तों बड़े प्लेयर्स अवेलेबल है, अच्छी बात है इस टीम के लिए। अब देखो दोनों टीम्स ने आपस में 13 मैच खेले आज तक T20s के अंदर, और आयरलैंड दोस्तों सिर्फ 4 मैच जीती है, वह नेदरलैंड 7 बार जीती है, और जो लास्ट 2 हेड टू हेड मैच हुए थे ना, लास्ट 2 उसमें आयरलैंड ने दोस्तों बाजी मारी थी। लाइनअप्स की बात कर लेते हैं, तो आयरलैंड की तरफ से आपको ओपनिंग कर देंगे पॉल स्टर्लिंग केविन ओब्रायन के साथ, एंड्री बल्बराइनी दोस्तों वन डाउन है, गर्ड डिलानी टू डाउन आने चाहिए, प्रैक्टिस मैच में 88 की नॉक खेली थी इसलिए, हैरी टैक्टर या तो फिर जॉर्ड डॉकरेल। अगर दोस्तों टीम देखती है कि अपने को बॉलिंग ऑप्शन और चाहिए तो टीम जाएगी जॉर्ड डॉकरेल के साथ। रहेंगे यहाँ पे कर्टिस कैंपर, नील रॉक, सिम सिंह, मार्क आदिर, क्रेग यंग, जसवा लिटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रमुख गेंदबाज रहेंगे सिमी, मार्क आदिर, क्रेग यंग, जसवा लिटल। ये भी दोस्तों पॉल स्टर्लिंग के ऊपर है, हैशटैग स्टैट्स जो आपको लिखना है और आपको बताना है यहाँ पर PS पॉल स्टर्लिंग कितने रन बनाएंगे। चलते हैं यहाँ पे नेदरलैंड्स की तरफ, तो स्टेपन मेबर्ग हो गए ओपन करेंगे, वैसे तो साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, खेलते दोस्तों नेदरलैंड्स के लिए। मैक्स रोडो बढ़ाएंगे यहाँ पे, वैन कॉपर वन डाउन है, लेफ्टी है, कॉलिन अकरमैन राइटी बैटर ऑफ स्पिनर है, रियंटन डॉसर्टे राइटी बैटर राइट मीडियम पार्ट टाइम आ रहा है, स्कॉट एडवर्स राइटी कीपर है, पीटर सिलर यहाँ पे कैप्टनसी कर रहे हैं, राइटी बैटर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, रोल ऑफ फंडम भी दोस्तों सेम वही है, राइटी बैटर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है और प्रमुख गेंदबाज होंगे मेरे हिसाब से। फ्रेड क्लासेन लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट प्रमुख गेंदबाज है, लगवन बेक यहाँ पे प्रमुख गेंदबाज राइट आर्म मीडियम, विलिंगटन के दोस्तों प्लेयर है, न्यूजीलैंड से खेलते हैं वैसे तो, टीम वन गगटिन राइट आर्म फास्ट मीडियम है, प्रमुख गेंदबाज रहने वाले हैं। अब दोस्तों से पॉलवन मैकरिन आ सकते हैं, आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये चीज़ बस आपको ध्यान देनी है। जो लोगों को नोटिफिकेशन आ रहा है चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन आप पे हिट कर लें, जैसे वीडियो अपलोड होगी आपके पास सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आप सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपको दोस्तों मैं बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। अब देखो प्रैक्टिस मैचेस में क्या हुआ था, यहाँ पे आयरलैंड की तरफ से पॉल स्टर्लिंग 0 और 22 रन, केविन ओब्रायन 9 रन 8 रन, एंड्रू बल्बरीन का यहाँ पे 10 है, 42 है, 25 है, गर्व डिलानी 14 है, 5 रन है, 88 की दोस्तों नॉक आई थी लास्ट वाले प्रैक्टिस मैच के अंदर, वन डाउन खिलाया गया था इनको, 50 गेंद्स के अंदर 88 की नॉक थी वो, नॉट आउट। हार्ड हिटर बैटर है दोस्तों, ये भी लीचेस्टरशायर के लिए खेल चुके हैं, आपको पता रहेगा जो टीम है काउंटी की। फिर आएंगे हैरी टैक्टर, 38 है और 23 है, ये दोस्तों एंकर का रोल अच्छा अदा करते हैं मेरे में दोस्तों, उसमें टैलेंट दिखता है हैरी टैक्टर के अंदर। टैलेंट क्यों दिखता है, क्योंकि ना दोस्तों इनिंग्स को चला भी सकता है और दोस्तों इनिंग्स को दौड़ा भी सकता है, मतलब क्या हुआ कि ही कैन प्ले द रोल ऑफ एंकर प्लस पावर हिटर, जो बोलते ना दोस्तों अपन दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया प्लेयर है, टेक्निकल साउंड बैटर है यार, सीरियसली कहूँ। कर्टिस कैंपर ने 35 रन, 1 विकेट था, फिर यहाँ पे 42 की नॉक थी, 35 रन विद द इनका मतलब 42 की नॉक थी 35 गेंदों के अंदर विद द बॉल विकेटलेस, बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, इन्फॉर्म है, मस्ट भी होने चाहिए आपके। नील रॉक ने 32 करा था प्रैक्टिस मैच में, सिम्मे सिंह ने 1 विकेट, 1 विकेट है, मार्क आदिर ने 16+0 विकेट है, फिर 1 विकेट है, फिर 3 विकेट है, क्रेग यंग का 3 और 2 विकेट था, इन्होंने दोस्तों डिसेंट परफॉर्मेंस दिया था, जसवा लिटल 1 विकेट 2 विकेट है, डॉकरेल का 9 रन था, बेन वाइट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, ये दोस्तों इंप्रेस करे थे, बेन वाइट बहुत अच्छा लेग स्पिनर है। लॉकन टकर को दोस्तों प्रैक्टिस मैच में खिलाई नहीं गया, एंड्रू एमसी ब्रायन ने प्रैक्टिस मैच में 14 रन+2 ओवर में 19 रन दिया विकेटलेस। नेदरलैंड्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे स्टेफन मेबर्ग 17, फिर 43, मैक्स रोडो ने 21 करा था, बैन कॉपर ने 19 और 40 करा था, कॉलिन अकमन ने दोस्तों यहाँ पे क्या करा था, 2 ओवर में 22 रन दिया विकेटलेस, ठीक है, 2 रन विद द बैट, फिर दूसरे मैच के अंदर 1 विकेट निकाला, नई बॉल को उसने कंट्रोल करा था, 11 रन दिया और 37 रन विद द बैट स्कोर करा था 21 गेंदों के अंदर। रेंटन डॉसर्टी 6 रन था, 16 रन था, स्कॉट एडवर्ड्स 22 था, पीटर सिलर का 3 ओवर में 19 रन था विकेटलेस, रॉल ऑफ फंड अवे प्रैक्टिस मैचेस के अंदर आप देख सकते हो 1 विकेट था, बढ़िया बॉलर है दोस्तों वैसे तो। फ्रेड क्लासेन 2 विकेट है, लॉगन बिक 0 विकेट 1 विकेट है, टीम वन कटिन का 2 और 1 विकेट था, पॉलवन नेकरिन में दोस्तों प्रैक्टिस मैच नहीं खिलाया गया, आई एम शॉक्ड देख के भाई, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है। बेस्ट डिलेडे 8 रन था, 0 नॉट आउट था। फिर इनका फिलिपी बॉश्विन करके एक लेग स्पिनर है,
जीरो विकेट है, मतलब इतने खास करा नहीं था कुछ। अब देखो जब ये दोनों टीम्स के बीच में मैचेस हुए ना आज तक T20 के अंदर, वेन दिस साइड प्ले अगेंस्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ, अपन बात करें हेड टू हेड मैचेस की, जब यहाँ पर पॉल स्लिंग नेदरलैंड के खिलाफ खेलते हैं ना, नेदरलैंड के खिलाफ, तो 9 मैच खेले, 170 रन है, 19 की एवरेज है, बैट फर्स्ट 27, 18 7 है, बैट सेकंड में 33 है, 29 है, 23 है, 17 है, 15 है, 1 है, और बॉलिंग से सिर्फ 3 विकेट्स हैं। 2021 के अंदर फॉर्म अच्छा है दोस्तों इनका, मेरे को अभी भी याद है कि उन्होंने किसके अंदर जो फाइनल मैच था ना 100 का सदर्न ब्रेव के लिए, भाई साहब ने 60 या 50 रन की एक बढ़िया नॉक खेली थी, 27 मैच में 29 की एवरेज है, इस साल अच्छा फॉर्म है, 737 रन से 2 विकेट्स विद द बॉल है। केविन ब्रायन आएंगे वहाँ पे, तो इनका देखो आप इस साल तो आपको बताऊंगा कैसा परफॉर्मेंस है, पर उससे पहले देखो हेड टू हेड मैचेस में इसने नेदरलैंड के खिलाफ क्या करा है, इसने नेदरलैंड के खिलाफ 11 मैच खेले, 245 रन है, 27 की एवरेज है, बढ़िया स्टैट्स है, 42 बैट फर्स्ट है, 33 है, 30 है, 13 है, 0 है, बैट सेकंड में 46 है, 30 है, 23 है, 22 60, ओवरऑल T20 करियर में बैट फर्स्ट 25 है, बैट सेकंड 19 की एवरेज है। इस साल दोस्तों इतना अच्छा फॉर्म नहीं है इनका, 18 की एवरेज है, 18 मैचेस में 332 रन है। फिर आएंगे यहाँ पे एंड्रू बलबराइन, इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं, 5 मैच के अंदर 40 की एवरेज है, हेड टू हेड के अंदर 199 रन है, अच्छा परफॉर्मेंस है, बैट फर्स्ट 45 31 है, बैट सेकंड 83 है, 32 8 है। इस साल दोस्तों फॉर्म चिंता की बात है इनके लिए भी, 17 मैचेस में 17 की एवरेज है, 280 रन है। आएंगे यहाँ से गर्डिलानी, इन्होंने हेड टू हेड मैच के अंदर नेदरलैंड के खिलाफ 29 चेस करते हुए, 20 चेस करते हुए, 12 बैट फर्स्ट करते हुए करा है, और इनका ओवरऑल T20 करियर के अंदर बैट फर्स्ट 24 है, बैट सेकंड में 31 की एवरेज है, और इस साल 4 मैच में 89 रन है, ऑफिशियल मैचेस के अंदर नॉट इन है, प्रैक्टिस मैचेस। आएंगे यहाँ से हैरी टेक्टर, ये दोस्तों बढ़िया प्लेयर लगते हैं, मतलब अंदाज इनका अच्छा है, बैट फर्स्ट 60 है, बैट सेकंड 47, नॉट आउट है, फिर 7 है, तो कुल मिला कि 3 मैचेस के अंदर ना भाई साहब को 114 रन है। 2021 के अंदर फॉर्म देखो आप, 12 मैच में 110 रन है, फॉर्म दोस्तों चिंता की बात है इस टीम के लिए, बस वही दिक्कत है यार, सबसे बड़ी टीम अच्छी है ये भी, कर्टिस कैम्पर इस टीम के खिलाफ तो नहीं खेला है, लेकिन इस साल 4 मैचेस में 40 रन 3 विकेट है, ऑफिशियल मैचेस के अंदर बैट फर्स्ट 18 बैट सेकंड 40 की एवरेज है। नील रॉक आएंगे, इस टीम के खिलाफ नहीं खेला साल दोस्तों, 15 मैच के अंदर इसकी 20 की एवरेज है, 161 रन से इस साल 2021 के अंदर, और बैट फर्स्ट में 7 बैट सेकंड में 23 की एवरेज है। सिमित सिंह आएंगे यहाँ पे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्लेयर, मस्ट पिक होने चाहिए, 57 नॉट आउट चेस करते हुए 3 विकेट है, 13 रन बैट फर्स्ट 1 विकेट है, फिर 8 रन दोस्तों चेस करते हुए था, तो कुल मिला के इन्होंने ना 4 विकेट्स निकाले 3 मतलब 3 हेड टू हेड मैचेस के अंदर विद द बैट, मतलब बढ़िया स्कोर्स कराए इन्होंने भी। वैसे इस साल 16 मैच में 17 विकेट, 240 रन है, ही कैन बैट दोस्तों। अभी हाल ही के अंदर उन्होंने सेंचुरी जड़ी थी ओडीआई के अंदर, बहुत बढ़िया प्लेयर है, नंबर 8 और नंबर 9 पे खेलते हुए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जैसी टीम। आएंगे मार्क आदिर, 3 मैच में 3 विकेट है, 13 रन विद द बैट है, ही कैन बैट ऑल्सो। इस साल देखो 15 मतलब लगभग 14 मैच के अंदर 25 विकेट है, 144 रन है। क्रिक यंग आएंगे यहाँ पे, 5 मैच के अंदर 5 विकेट है, हेड टू हेड के अंदर, अरे जब बॉल फर्स्ट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 35 मैच में लगभग 60 विकेट है बॉल फर्स्ट, मतलब दोस्तों बॉल सेकंड के अंदर ना 33 मैच में मात्र 24 विकेट है। इस साल 14 मैच में 19 विकेट है, 67 रन है, ही कैन ऑल्सो बैट, जैसो लिटिल भी दोस्तों बैट कर सकते हैं। इनका हेड टू हेड मैच में 1 मैच में 0 विकेट है, और इस साल देखो आप 14 मैच में 18 विकेट है, 92 रन है। डॉकरेल साहब आएंगे यहाँ पे, हेड टू हेड में 11 में 16 विकेट है दोस्तों, बहुत अच्छे स्टैट्स लगे इनके देख के बॉलिंग से। 2021 के अंदर 16 मैच के अंदर 255 रन 6 विकेट्स हैं। बैन वाइट आ सकते हैं, इस साल 13 मैच के अंदर 22 विकेट है, मतलब आप सोच के देखो इन्होंने इसी साल ना प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चालू करा, और इस साल दोस्तों वर्ल्ड कप के अंदर आ गया, ये कितनी अच्छी बात है देख के। लॉकन टकर, एंड्रू एम्स ब्रायन आप देख सकते हो, स्टार्टिंग ओवर क्रिक यंग, मार्क आदिर, लिटिल, डेथ ओवर भी दोस्तों सेम रहेगा। वैसे कर्टिस कैम्पर आ जाते हैं, नेदरलैंड्स की बात करते हैं, स्टेफन वेबर 4 मैच के अंदर 93 रन है अगेंस्ट आयरलैंड, हेड टू हेड मैचेस के अंदर बैट फर्स्ट 27 है, 2 है, बैट सेकंड 63 और 1 है। और इन्होंने लास्ट टाइम दोस्तों 2019 के अंदर खेला था, तब इन्होंने 5 मैच के अंदर 100 रन करे थे, 101 रन, 20 की एवरेज थी। मैक्स वुडवर्ड की बात करते हैं, हेड टू हेड मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया नंबर्स है, 7 मैच में 235 रन है, 34 की एवरेज है, बैट फर्स्ट 38 है, 20 है, 14 है, बैट सेकंड में 69, 39, 17 है। इस साल दोस्तों अच्छा फॉर्म है, 4 मैचेस के अंदर 172 रन है, 57 की एवरेज है। बैन कॉपर आएंगे यहाँ पे, ये तो भाई साहब मस्ट विक होने चाहिए आपके, क्यों, 9 मैच के अंदर 57 की एवरेज है, हेड टू हेड के अंदर आयरलैंड के खिलाफ, और 27 रन विद द बैट है, बैट फर्स्ट 65, 37, 18 नॉट आउट 14 है, बैट सेकंड 91 नॉट आउट है, 43 है, 10 है, 9 नॉट आउट है। ओवरऑल T20 करियर के अंदर बैट फर्स्ट 26 है, बैट सेकंड 33 की एवरेज है। इस साल फॉर्म अच्छा है, 5 मैच के अंदर 136 रन, 45 की एवरेज है, दैट्स द रीजन वाई यू हैव टू कंसिडर हिम। कॉलिन अकमन, 2 मैच 34 रन है, 0 विकेट्स है हेड टू हेड के अंदर,
और इस साल दोस्तों फॉर्म ठीक ठाक ही है, 19 मैच में 13 विकेट्स हैं, मतलब विकेट्स थोड़े कम ही है। विद द बैट 351 रन है, बैट फर्स्ट में 25, बैट सेकंड में 32 के एवरेज ओवरऑल T20 में। रैंड एंड ऑस्ट्रेडिया हेड टू हेड के अंदर 43 नॉट आउट बैट फर्स्ट है, 32 चेसिंग है, 0 बैट फर्स्ट था। इस साल 11 मैच में सिर्फ 73 रन से 10 के एवरेज है, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है इनके खुद के लिए। स्कॉट एडवर्ड्स हेड टू हेड में 5.29 रन है, इस साल 4 मैच में 68 रन था इनका ओवरऑल। आएंगे पीटर सिलार, 11 मैच के अंदर 11 विकेट्स है, 94 रन विद द बैट है। हेड टू हेड के अंदर 2021 के अंदर 5 मैच में 3 विकेट, 104 रन विद द बैट है। रॉयल फंडम अवे, ये दोस्तों आपके मस्ट पिक वाली लिस्ट में आ सकते हैं अगर आपको कंसिडर करना है तो। 6 मैच के अंदर 7 विकेट, 86 रन है विद द बैट। 2021 के अंदर 15 मैच में 16 विकेट्स है, 123 रन है। ये दोस्तों बहुत ही स्मार्ट स्पिनर है, मतलब दिमाग से बॉलिंग करता है दोस्तों, डेस्परेट प्लेयर है जो फील्ड के अंदर दोस्तों अपना बेस्ट देता है। फील्डिंग के अंदर हो गया, फिर दोस्तों विद द बैट हो गया, मतलब टीम के लिए दोस्तों एक कैरेक्टर प्लेयर है थोड़ा सा। फ्रेड क्लासन 5 मैच में 7 विकेट्स है, हेड टू हेड के अंदर अच्छा काम करा है, 1 मैच के अंदर विकेट लेस गए सिर्फ। इस साल वैसे फॉर्म अच्छा है, 18 मैच में 24 विकेट्स है। और आपको बताया दोस्तों इन्होंने इस साल कैंट को खिताब दिया था, आपको बताया दोस्तों इस साल T20 ब्लास्ट के अंदर ना सैम बिलिंग्स की टीम कैंट जीती थी, उसके अंदर दोस्तों फ्रेड क्लासन भी थे T20 ब्लास्ट के अंदर। लॉवन बिक हेड टू हेड नहीं खेले इस साल, 21 मैच खेले, 28 विकेट्स है। टीम वन कप्टन की बात करें हेड टू हेड मैच में 6 मैचों में 4 विकेट्स है, 3 मैच के अंदर विकेट लेस गए। 2021 के अंदर फॉर्म अच्छा नहीं है, 12 मैचेस में 8 विकेट है। ग्लोच चेस्टरशायर ने खेला था ग्लैमोगन के लिए, ठीक है आपको बता रहेगा तो, ग्लैमोगन के लिए T20 ब्लास्ट में। 2020 के अंदर अच्छा फॉर्म था, 8 मैच में 14 विकेट्स थे। पॉलवन मैक्रीम दोस्तों हेड टू हेड के अंदर 7 मैच में 14 विकेट है, आज तक एक भी मैच के अंदर विकेट लेस नहीं गए आयरलैंड के खिलाफ, तो खेलेंगे तो मस्ट विक। और बॉल फर्स्ट मतलब देख रहे हो आप, 2021 के अंदर 15 मैच में 12 विकेट है, और 2019 के अंदर 18 मैच में 27 विकेट्स था। बेस्ट डिलीडे 3 मैच में 39 रन है हेड टू हेड के अंदर। अब देखो स्टार्टिंग में डालेंगे सर फ्रेड क्लासन, टीम वन कैप्टन और लॉग वन बिग, डेथ में भी सेम कॉम्बो रहेगा। वेन्यू स्टैट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखो स्वैनी के ऊपर मैचेस में तो क्या हुआ है, आयरलैंड की बात करते हैं सबसे पहले। पॉल स्टर्लिंग इस मैदान के ऊपर, शेख जायद स्टेडियम के ऊपर 17 मैच के अंदर 565 रन, 32 के एवरेज है। केविन ओब्रायन 17 मैच खेले 22 के एवरेज है, 350 रन है। आएंगे यहाँ पे एंड्रू बलब्राइनी, 5 मैच के अंदर 83 रन से 4 बार बैट कराया इन्होंने यहाँ पर, 11 बैट फर्स्ट है, 70 नॉट आउट चेस करते हुए, 2 चेस 0 चेस है। डिलानी का यहाँ पे 4 मैच में 29 रन है, बैट फर्स्ट 2 है, बैट सेकंड 16 11 है। आएंगे हैरी ट्रैक्टर, इनका आप देख सकते हो 4 मैचेस के अंदर 22 चेसिंग है, 21 नॉट आउट चेसिंग है, फिर 2 है यहाँ पे बैट फर्स्ट। कर्टिस कैंपर यहाँ पे नहीं खेले, लेकिन यूई के अंदर इन्होंने 3 मैच खेले और यहाँ पे 3 विकेट्स है, 37 रन है। सिमी सिंह यहाँ पे नहीं खेले, पर इन्होंने यूई के अंदर 4 में 4 विकेट्स निकाले। मार्क कादिर का इस मैदान के ऊपर, शेख जायद स्टेडियम के ऊपर 4 मैच में 5 विकेट्स है, 35 रन सुधा है बैट है, 1 मैच के अंदर विकेट लेस गए। क्रियन का दूसरा पे खास स्टैट्स था, 3 मैचेस के अंदर 8 विकेट है, क्या चाहिए आपको यहाँ पे। जसो लिटिल का 2 में 2 विकेट है, डॉकरल का 17 में 12 विकेट्स है, एंड एम सी ब्रैन का 3 मैच के अंदर 1 विकेट है, 19 रन सुधा बैट है। नेदरलैंड्स की बात करते हैं, स्टेफिन मेबर्ग वर्सेस आपको देख, वर्सेस तो आपको नीचे बताऊंगा, पहले वेन्यू स्टैट्स देख लेते हैं। स्टेफिन मेबर्ग देख सकते हो स्वैनी के ऊपर 5 मैच में 82 रन है, बैट फर्स्ट 20 है, बैट सेकंड 52, 6-4-0। मैक्स ओडवर्ड ने यहाँ पे कुल मिला के 21 रन करें 2 मैच के अंदर। बैन कॉपर का दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के 4 मैच में 80 रन है, अब देखो कैसे करें 80 रन बैन कॉपर ने स्वैनी के ऊपर, 40 बैट सेकंड, 24 बैट सेकंड, 29 बैट सेकंड, 0 बैट सेकंड है। कॉलिन अकमन दोस्तों स्वैनी के ऊपर नहीं खेले, लेकिन यूई के अंदर 7 मैच खेले, 40 के एवरेज है, 163 रन है और 3 विकेट्स है। रियंटन डॉस्टे का 2 मैच में 23 रन है। स्कॉट एडवर्ड्स यहाँ पे नहीं खेले, पीटर सिलर का यहाँ पे 5 में 5 विकेट्स है, 16 रन विद द बैट, 2 मैच के अंदर विकेट लेस गए। रोला फंडम ऑफ वेट बहुत बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, 35 नॉट आउट चेसिंग, 1 विकेट है, फिर यहाँ पे 6 चेसिंग में, फिर 2 विकेट है, बढ़िया प्लेयर है, हर बार बॉल फर्स्ट करा है यहाँ पे और चेस करा है विद द बैट। आएंगे फ्रेड क्लासन, इस वैनी के ऊपर नहीं खेला, यूई के अंदर 5 मैच में 7 विकेट्स है। लॉगन बिक नहीं खेले यहाँ पे, ना यूई के अंदर खेले। टीवन गट्टिन का यहाँ पे 6 विकेट्स है मात्र 3 मैचेस के अंदर। पॉलवन मैक्रिम का यहाँ पे 4 विकेट्स है 3 मैचों के अंदर। अब मैचअप्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैचअप्स भी, तो फ्रेड क्लासन वर्सेस पॉल स्टर्लिंग बहुत अच्छा मैचअप है। 41 गेंद 28 रन, 2 बार आउट करा है, दोनों बार पहली पारी में आउट करा है। फिर देखो टीवन गट्टिन है ना, इनका स्ट्रगल पॉल स्टर्लिंग के सामने रहा है, मतलब पॉल स्टर्लिंग का टीवन गट्टिन के सामने स्ट्रगल है। 34 गेंद 46 रन, 2 बार आउट करा है। रॉयल फंडम अवे, अगर दोस्तों आपको याद रहेगा जो साउथ अफ्रीका वर्सेस है, कौन सी सीरीज हुई थी वो, साउथ अफ्रीका वर्सेस आयरलैंड, तो उसमें एक अपने जॉर्ज लिडने थे, एक केशव महाराज थे, दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स थे। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भाई साहब अपने पॉल्स लेंगे ना
लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मेरे सामने बहुत बुरा फंसता है। तो दो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मेरे से, एक तो रॉयल फन डम्बव है, इन्होंने 20 गेंद में 20 रन देके 3 बार आउट करा और 2 बार दूसरी बार में आउट करा, और पीटर सिल्लर ने इनको 25 गेंद में 32 रन देके 2 बार आउट करा, दोनों बार दूसरी बारी में आउट करा। तो अच्छा मैचअप है। पॉलवन मैक्रीम ने 27 गेंद में 16 रन देके 2 बार आउट करा, दोनों बार दूसरी बारी में आउट करा। केविन ओब्रायन वर्सेस फ्रेड क्लासेन 2 बार आउट कर चुके हैं, 28 गेंद में 29 रन है। रॉयल फन डम्बव ने 21 गेंद में 22 रन देके 2 बार आउट करा। पॉलवन मैक्रीम ने 25 गेंद में 24 रन दिया, 4 बार आउट करा और 3 बार दूसरी बारी में आउट कर रखा है। एंड्रयू बलब्राइनी वर्सेस पॉलवन मैक्रीन 2 बार आउट करा है। तो आप समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है पॉलवन मैक्रीन। फिर देखो यहाँ पे सिलार ने एक बार आउट करा है, लॉगन बिक ने, फ्रेड क्लासन ने एक बार आउट कर रखा है, और ओडीआई के अंदर उससे बहुत रोका है इसको। ओडीआई में तो आई थिंक कुछ 10 रन से कुछ 40 गेंदों के अंदर ऐसा कुछ था इनका, एंड्रयू बलब्राइनी का अगेंस्ट फ्रेड क्लासन। गर्ड लैनी वर्सेस फ्रेड क्लासन, ब्रेंडन ग्लोवर, हैरी टेक्टर का स्ट्रगल है फ्रेड क्लासन के सामने, एक बार आउट है, 35 गेंद में 24 रन है। लॉगन बिक हो गए, पीटर सिलार हो गए, कर्डस कैंपर येट टू फेस है। कॉमन कैप्टन देखिए आपको स्टेपन, कॉमन कैप्टन आपको नीचे बताऊँ दोस्तों यार, जल्दी फिनिश करने के चक्कर में आपको मैं यहाँ पे जल्दी बोल गया। तो देखो यहाँ पे क्षमा जाता हूँ, स्टेपन मेबर्ग का यहाँ पे स्ट्रगल है किरे यंग के सामने, 56 गेंद 28 रन, 2 बार आउट करा है। फिर लिटिल ने एक बार आउट करा है, सिमे सिंह ने एक बार आउट करा है, डॉकरेल ने एक बार आउट कर रखा है। मैक्स रोडवर्ड का स्ट्रगल है यहाँ पे किरे यंग के सामने, सिमे सिंह के सामने, लिटिल के सामने, डॉकरेल के सामने। बैन कॉपर वर्सेस जसवा लिटिल, 5 गेंद 3 रन, 2 बार आउट कर रहा है, दोनों बार पहली पारी में आउट कर रखा है। कॉली नकर वर्सेस क्रेग यंग, रैन टन डॉसर्टी येट टू बी डिसीजन बाय द करंट बॉलर्स। कॉमन कैप्टन पॉल स्टर्लिंग, कॉली नकमन। बड़ी लिस्ट में दोस्तों किसको बनाना, बनाओ यहाँ पे कॉली नकमन को, फिर क्रटस कैंपर को, सिमे सिंह को, मार्क आदिर को, 4 दोस्तों मेरे लिए टॉप मोस्ट पिक्स है, एमवीपी प्लेयर्स है। अलग जाना है पॉल स्टर्लिंग, मैक्स रोडवर्ड, बैन कॉपर। और दोस्तों अभी तक इस मैच को ना किसी भी ऐप ने अभी तक लाइव नहीं करा, तो मैं सबको यहाँ पे टीम नहीं बता पाऊंगा। तो अब देखो यहाँ पे कौन से प्लेयर्स को आपको लेके चलना, तो देखो यहाँ पे आयरलैंड की तरफ से आप कोशिश करना कि ये प्लेयर्स को तो ले लो, सिमे सिंह को ले लो, मार्क आदिर को ले लो, कर्टिस कैंपर को ले लो, ये 3 प्लेयर दोस्तों आपको लेके चलना है। अगर बाई चांस यहाँ पे आयरलैंड बॉल फर्स्ट करती है तो आप क्रिंग को ले लेना, लिटिल को ले लेना, ठीक है। और पॉल स्टर्लिंग दोस्तों एक अच्छे पीक है, बस एक मैचअप बनता है उनका किसके साथ आपको बताइए है, जो अपने भाई साहब है रॉयल फन डम्बव और पीटर सिलार के सामने। तो वैसे तो बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, मैं मना नहीं करूँगा, आप ट्राई करो, आपकी मर्जी है। एंड्रयू बलब्राइनी दोस्तों ठीक ठाक पे 20-30 रन कर जाते हैं इन दिन हुआ तो। अब देखो नेदरलैंड की बात करते हैं, तो उनकी तरफ से आपको लेके चलना है किसको, बैन कॉपर मेरे हिसाब से मस्ट पिक होने चाहिए, कॉलिन कर्मन मस्ट पिक होने चाहिए, फिर यहाँ पे रॉयल फन डम्बव, 3 प्लेयर्स यहाँ पे हो गए, फिर एक फ्रेड क्लासन हो गए। और फिर दोस्तों आप अगर नेदरलैंड बॉल फर्स्ट करती है तो लॉगवन बिक को या तो फिर टीम वन कैप्टन में किसी एक को लेना, ठीक है, दोनों में से किसी एक को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी दोस्तों आपको दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। तब तक के लिए देखते हैं स्टैट्स गुरुजी, लव यू गाइस, जय हिंद।